कश्मीर घाटी में अचानक से हलचल बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को एहतियातन बंद रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। श्रीनगर में सोमवार आधी रात से धारा 144 लागू कर दी गई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह की रैली या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। साथ ही जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की जारी सूचना के मुताबिक इस आदेश के जारी होने के बाद से किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग और रैलियां प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि प्रशासन ने साफ कहा है कि घाटी में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है, जहां खतरे की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैनाती कई गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जम्मू क्षेत्र, विशेषकर सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स समेत अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की तैनाती कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वही खबर है कि कश्मीर में सुरक्षा और हलचल के बीच मुख्य धारा के कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को भी आधी रात उनके घर में नजरबंद किया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता सज्जाद लोन को भी लेकर यही खबर है। उधर कांग्रेस नेता उस्मान माजिद और सीपीएम नेता MY तारिगामी ने भी दावा किया है कि उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि गिरफ्तारियों के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने देर रात ट्वीट कर बताया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, कैसी विडंबना है कि हमारे जैसे शांति के लिए लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर में कैसे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मुझे लगता है कि मुझे आधी रात से घर में नजरबंद किया जा रहा है और मुख्य धारा के अन्य नेताओं के लिए भी ये प्रक्रिया पहले ही शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो फिर आगे देखा जाएगा। गौरतलब है कि कश्मीर में रविवार से ही तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। अधिकारियों ने आतंकवादी खतरे और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के बीच अहम प्रतिष्ठानों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहले ही अमरनाथ यात्रा बीच में ही खत्म कर दी थी और तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से जल्द घाटी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com